वेलकम टू चांस एजुकेशन। चांस एजुकेशन में आपका स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड रिंग द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फर्स्ट। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? अच्छा, तो आज हम अबेकस का वीक वन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आपकी बुक में जो वीक वन है, वीक वन से आप स्टार्ट करेंगे अपनी बुक को, और आज हम वीक वन में शुरू करेंगे अबेकस के बीट्स को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? अभी हमने सीखा था कि काउंटिंग कैसे कर सकते हैं हम अबेकस से, जो बीट्स हमने काउंट किए थे अबेकस टूल के ऊपर, अब हम उन बीट्स को बनाना सीखेंगे, ड्रॉ करना सीखेंगे, जिससे हमें काउंटिंग जल्दी से आ जाए, ठीक है? तो आज हम 0 to 9 की काउंटिंग को ड्रॉ करेंगे बोर्ड के ऊपर, आप भी सीखें कैसे करते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, जैसे आपको काउंटिंग आती है जीरो से, आपको पता है कि हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला नंबर, सबसे छोटा नंबर जीरो होता है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट में 9। 9 हमारा सिंगल डिजिट में, 9 हमारा सबसे बड़ा नंबर होता है और 0 सबसे छोटा नंबर होता है, ठीक है? तो अब हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 को कैसे ड्रॉ करना है आपको अपनी बुक में, आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ करने के लिए आपकी बुक में एक लाइन बनाई गई है, एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन, ठीक है? ये आपकी अबेकस की बीट्स की लाइन होती है जो आपके अबेकस टूल के ऊपर होती है। अब हम जीरो कैसे ड्रॉ करेंगे? जीरो के लिए आपको पता है कि जब जीरो होता है तो हमारी कोई भी बीट हमारे वैल्यू बार पर टच नहीं करती है, इसलिए जीरो के लिए हमें कुछ नहीं करना है और कोई भी बीट हमें नहीं बनानी है, इसलिए इसकी वैल्यू होगी जीरो। तो हम यहां लिख देंगे जीरो, ठीक है? ये वैल्यू हुई जीरो। अब हम अगला नंबर लेंगे, जीरो हम बना चुके हैं, अब हम लेंगे वन। वन के लिए फिर से आपको क्या करना है, एक इस तरह से हमें प्लस को ड्रॉ करना होगा, ठीक है? अब हमारा नंबर है वन। वन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे? जब हमारा वन काउंट होता है अबेकस टूल के ऊपर, तो वन बीट हमारी ऊपर वैल्यू बार पर टच करती है, ठीक है? तो हम एक बीट को इस वैल्यू बार से टच करके एक बीट को ड्रॉ कर देंगे। इट मींस दिस इज वन, तो ये हमारी वन बीट हो गई, ठीक है? आप इसको शेडिंग भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको शेड करेंगे, ये देखिए, आप अपनी पेंसिल से इसको शेड भी कर सकते हैं, या आप स्केच पेन से भी कर सकते हैं। तो दिस इज वन, ये वन बीट हमारी हमारे वैल्यू बार को टच कर रही है, इसलिए हम इसकी काउंटिंग होगी वन। अब नेक्स्ट नंबर चलते हैं टू। तो जैसा कि आपको पता है, हमें एक ड्रॉ करना होगा पहली लाइन को। अब हमारा नंबर आया टू। वन में हमने वन बीट ड्रॉ की थी जो हमारी वैल्यू बार लाइन को टच करती थी। अब हम टू बीट्स को एक दूसरे से टच करके बनाएंगे, क्योंकि जब हम टू बीट्स काउंट करते हैं अपने बैकस पे, तो दोनों बीट एक दूसरे से टच होती हैं। ये वन वाली भी बीट पहले इस लाइन से टच है और ये दोनों टच है, तो हम इन दोनों को इस लाइन से टच मानेंगे और इसकी वैल्यू बनेगी टू। अब आप इसको फिर से शेड कर सकते हैं। आप अपनी पेंसिल से, अपने कलर से, क्रियॉन से, किसी भी चीज से आप करना चाहें तो वो आप अलग अलग कलर के भी बीट्स को ड्रॉ कर सकते हैं क्रियॉन से। जो भी आपका फेवरेट कलर है उसको आप करिए, उससे आपको अच्छे से पहचानने में हेल्प होगी। आपके अबेकस टूल के ऊपर भी कलर बीट्स होंगी ऐसी। तो दिस इज टू नंबर। अब हमने दो, जीरो, वन और टू हमने ड्रॉ कर लिया। तो अब नेक्स्ट नंबर है हमारा थ्री। थ्री को ड्रॉ करने के लिए हम फिर से वही एक स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे।
अब हमारा थ्री नंबर, पहले हमने वन के लिए वन बीट बनाई थी, टू के लिए हमने टू बीट्स बनाई थी, तो थ्री के लिए कितनी बीट्स बनाएंगे? टेल मी, थ्री बीट्स, यस। तो अब हम वन टू एंड थ्री, अब हमने थ्री बीट्स बनाई है, दिस इज नंबर थ्री। आप इसको फिर से शेड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि सभी बीट्स एक दूसरे से टच होनी चाहिए, तभी हम उसकी वैल्यू को काउंट करेंगे। अगर कोई बीट एक दूसरे से टच नहीं है तो उसकी वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे। तो दिस इज नंबर थ्री। अब हम चलते हैं नंबर फोर। तो फोर के लिए हमें वन टू थ्री एंड फोर, हमें फोर बीट ड्रॉ करनी होती है फोर नंबर के लिए। आपके अबैकस में नीचे की जो बीट्स हैं वो फोर बीट्स हैं, तो हमें फोर बीट्स ऊपर करेंगे और वैल्यू बार को टच करेंगे, तो हमारे बन गया नंबर फोर। इसको हम फिर से शेड कर देते हैं और आप अलग अलग कलर से, मल्टी कलर से इसको शेड कर सकते हैं। तो ये आपकी बुक का वीक वन का फर्स्ट पेज है जिस पर आपको ये ड्रॉ करना है। अब हम नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं जो कि हमारा नंबर है फाइव। अब हमारे पास नीचे सिर्फ फोर बीट्स होती हैं, तो फोर बीट्स तो हमारी कंप्लीट हो गई हैं, इसलिए हमारे पास अब कोई बीट्स नीचे नहीं है। आपको पता है कि फाइव नंबर जो आता है वो ऊपर वाली बीट्स को हम फाइव बोलते हैं। जब ऊपर वाली बीट फाइव नंबर कहलाती है तो हम फाइव नंबर के लिए एक जीरो यानी एक बीट हम ऊपर ड्रॉ करेंगे और जो कि वैल्यू बार से टच होगी। फिर से हम इसे शेड करेंगे। दिस इज नंबर फाइव। तो ये क्या नंबर है? फाइव। जब भी आप फाइव नंबर को ड्रॉ करेंगे तो आपको ऊपर की एक बीट शो करनी है जो कि वैल्यू बार से टच करेगी, नीचे की कोई भी बीट इसको टच नहीं करेगी, इसलिए हम इसको ड्रॉ नहीं करेंगे। आपके अबैकस में नीचे की फोर बीट्स हैं, उसको आप नीचे डाउन कर देंगे, फोर के बाद नीचे डाउन करेंगे और ऊपर वाली बीट को नीचे लेकर आएंगे, वो बन जाएगा नंबर फाइव। चलिए यहां तक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट नंबर लेते हैं सिक्स। सिक्स को हम कैसे ड्रॉ करेंगे? थोड़ा यहां पर स्पेस बना लेते हैं। तो यहां पर हम सिक्स नंबर के लिए, सिक्स नंबर को हम फिर से वही, हमने एक स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन बनाई, आपकी बुक में ये ड्रॉ किया गया है। सिक्स के लिए हम सबसे पहले हमें फाइव चाहिए, फाइव एंड वन बीट, नीचे से वन बीट ऊपर लेकर जाएंगे और वो बनेगा सिक्स। फाइव के लिए हमने ऊपर की बीट ड्रॉ की थी, सिक्स के लिए फाइव फाइव वन वन सिक्स। तो फाइव नंबर आपका थंब था जो मैंने आपको फिंगर काउंटिंग में भी सिखाया था। फाइव नंबर शो करने के लिए हमें अपने थंब को शो करना होता है और सिक्स के लिए फाइव प्लस वन सिक्स, तो नीचे की वन बीट ऊपर जाएगी जो कि हमारी वैल्यू बार को टच करेगी। तो दिस इज नंबर सिक्स। आप हमारी पहले की वीडियो जो हमारी काउंटिंग 0 टू 9 फिंगर टेक्निक और काउंटिंग 0 टू 9 अबैकस के ऊपर हमने सिखाया था आपको, उस वीडियो को आप जरूर देखें। उसके बाद आपको बीट्स को ड्रॉ करना होगा। दिस इज नंबर 7। 6 के बाद हम क्या बनाएंगे? 7 नंबर ड्रॉ करेंगे। तो वही 7 के लिए हमें 5 की बीट चाहिए होगी क्योंकि 7 नंबर 5 से बड़ा है। तो 5 नीचे से 1 ड्रॉ करेंगे और एक 1 और लेके आएंगे,
तो अब बना हमारा नंबर 7। इसको फिर से आप शेड करते हैं यहां पर 5, 6, 7। ये हम पहले सीख चुके हैं काउंटिंग करना अबेकस से। अब नेक्स्ट नंबर हमारा 7 के बाद, टेल मी व्हाट कम्स आफ्टर 7। यस, 8 नंबर। तो 8 के लिए हमें 5 नंबर, 6, 7 एंड 8। आपको इसको पहचानना, रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है, तभी आप फास्ट अबेकस सीख पाएंगे। तो अब हम इसको शेड कर देते हैं 5, 6, 7 एंड 8। 8 नंबर के लिए हमें ऊपर से 1 बीट चाहिए होगी और नीचे से 3 बीट्स, जो बनेगा हमारा 5, 6, 7, 8। नीचे वाली सभी बीट्स की वैल्यू आपको पता है वो 1-1 काउंट होती है, पर बीट 1 काउंट होता है, इसलिए नीचे हमारी 4 बीट्स हैं तो वो 4 यानी हर बीट की वैल्यू 1 होगी। लास्ट नंबर है 9 हमारा, 9, क्योंकि हमें 0 to 9 तक जाना है। 5, 6, 7, 8, 9। अब 9 के लिए हमारी सभी बीट्स वैल्यू बार को टच करेंगी वंस प्लेस पर। तो अब 5 को हम शेड कर देते हैं 5, 6, 7, 8, 9। तो ये नंबर हो गया 9। आप ठीक से एक बार देख लो सर, स्टार्टिंग से हम एक बार शुरू करते हैं। 0 में कोई भी बीट हमें नहीं ड्रॉ करनी है, इसलिए 0 हमेशा ऐसे ही रहेगा। 1 में नीचे की 1 बीट, 2 में नीचे की 2 बीट्स, 3 के लिए नीचे की 3 बीट्स ऊपर लेकर जाएंगे, 4 में 4 बीट्स ऊपर लेकर जाएंगे और वैल्यू बार को टच करेंगे, 5 में ऊपर की 1 बीट नीचे आ जाएगी और नीचे की सारी बीट्स नीचे चली जाएंगी, वो हट जाएंगी। दिस इज 5 नंबर। 6 में 5 + 1 = 6, 7 में 5, 1, 6 एंड 1, 7। तो ऊपर की 1 बीट 5 और 2 7। इसी तरीके से 8, 5, 6, 7, 8। 8 नंबर हुआ ऐसे 9, 5, 6, 7, 8, 9, 9। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वीक 1 का फर्स्ट पेज आपको ड्रॉ करना होगा। ड्रॉ करने के बाद आपके अपनी मम्मी पापा के साथ एक प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपके मम्मी पापा आपको कोई भी बीच में से नंबर देंगे और आप उसको फिंगर से प्लस एबेकस से उनको ड्रॉ करके बताएंगे कि ये नंबर हमारा ऐसे आता है, ठीक है। तब आपको जल्दी से नंबर रिकॉग्नाइज करना आएगा। आप अपनी एक रफ कॉपी में भी इसकी प्रैक्टिस अलग से कर सकते हैं, जो नंबर आपको बुक में दिए गए हैं उसकी प्रैक्टिस आपको बुक में करनी होगी, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं आपका नेक्स्ट पेज, वीक 1 पेज नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, अब आप पेज नंबर 2 पर चलेंगे हम, ठीक है, बुक का पेज नंबर 2। वहां अभी हमने पहले पेज नंबर 1 पर जो बीट्स ड्रॉ की थी, क्योंकि आपको नंबर दिए गए थे वहां पर और आपको बीट्स को ड्रॉ करना था। अब यहां पर आपको बीट्स दी गई हैं और आपको उसका नंबर लिखना है उसके नीचे। तो आपको रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है कि वो कितना नंबर की बीट्स हैं और उसका नंबर आपको लिखना होगा। जैसे कुछ बीट्स मैंने यहाँ पर बनाई हैं, ये आपकी बुक में भी सेम ऐसे ही मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप देखिए कितनी बीट्स हैं यहाँ पर, 2 बीट्स, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो आप बॉक्स दिया गया है वहां पर लिखेंगे 2, ठीक है।
ये आपको लगातार नंबर्स नहीं दिए होंगे, ये आपको पहले रिकॉग्नाइज करने होंगे जो हमने पहले क्वेश्चन किया था, उसके बाद आप जल्दी से पहचान लेंगे इसको। नंबर अगला नंबर है 5, 6, 7, तो हम बॉक्स में लिखेंगे 7। अब नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं, नेक्स्ट नंबर पहचानिए कौन सा नंबर है, 9। इसको ऐसे पढ़िए 5, 6, 7, 8, 9। जब आप स्टार्टिंग में करेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि ये कौन से नंबर की बीट शो की गई है। नेक्स्ट नंबर, यहां पर आप देख रहे हैं कोई भी बीट्स यहाँ शो नहीं की है, यानी हमने कोई बीट ड्रॉ नहीं की है, तो जिस बीट को हम ड्रॉ नहीं करते हैं उसकी वैल्यू होती है 0। तो यहां शो हो जाएगा 0 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि सिर्फ 1 बीट नीचे से ऊपर गई है जो वैल्यू बार को टच करती है, तो नंबर आएगा 1। उसके बाद आप यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में कितनी बीट्स नजर आ रही हैं आपको, 1, 2, 3, 4, 4 बीट्स हमारी वैल्यू बार को टच करती हैं, तो नंबर आएगा 4। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर है आपका 5, 6, 7, 8, 9, 9 नंबर हम यहां लिख देंगे 9। नेक्स्ट नंबर है हमारा 6, 5, 6, नेक्स्ट नंबर है हमारा 5, 6, 7, फिर से 7 नंबर आ गया। देखिए यहां भी 7 था और यहां पर भी 7 था, दोनों सेम है इसलिए इसका बीट्स का वैल्यू होगी 7। कोई भी नंबर दो बार आ सकता है। नेक्स्ट पर चलेंगे 1, 2, तो यहां लिख देंगे 2 नंबर, पहले भी 2 नंबर यहां पर आया था स्टार्टिंग जहां से हमने किया था, तो 2 ये आ गया और 2 वहां पर भी आ गया क्योंकि दोनों में बीट्स हमारी सेम है। तो अब बच्चों देखिए, आपको दोनों तरीके से मैंने सिखा दिया, ड्रॉ करना भी सिखाया और जो पहले से बीट्स ड्रॉ की गई हैं उसका नंबर रिकॉग्नाइज करके लिखना। ये आपके दोनों वीक 1 पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 पर दिया गया है। वीक नंबर 1 पेज नंबर 2 पर आपको अब एक और एक्सरसाइज दी गई है जो कि है फिंगर टेक्निक्स की। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा फिंगर टेक्निक्स के, जिसको आपके आंसर करने होंगे। आज का यही आपका होमवर्क है, आप अपना होमवर्क करके मुझे भेजेंगे अपनी पिक्स के साथ, ठीक है, अपनी बुक की पिक्स के साथ मुझे आप नंबर बताएंगे कि ये कौन सा नंबर है। तो मैं कुछ नंबर आपसे पूछ रहा हूं, ये आपका होमवर्क है। जल्दी से आप अपनी कॉपी में इस नंबर को नोट करिए, ये आपका टेस्ट होगा क्योंकि आपने पहले फिंगर टेक्निक को सीखा है हमसे। जो भी बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो हमारी पहले की वीडियो जो कि हमारी लेवल 1 क्लास 1 जिसमें फिंगर टेक्निक्स के बारे में बताया गया है वो आप देख सकते हैं। चलिए अगले नंबर से चलते हैं, आपको हर जो भी फिंगर आपको दिख रही है जो आपकी वैल्यू है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। नेक्स्ट नंबर लेते हैं, तो ये है आपका होमवर्क। जब आप ये होमवर्क कर लेंगे तो आप मुझे अपनी पिक्स भेजेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, वीक 2 में हम दोबारा से आपको नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मिलेंगे।
तब तक के लिए आप इन बीट्स इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से घर पे। आपको पूरा वीक है, पूरा वीक में आप पूरा होमवर्क करेंगे अपना और क्लास वर्क करेंगे। आपके पास दो बुक दी गई हैं, लेवल वन यानी मॉड्यूल वन की दो बुक हैं आपके पास, एक क्लास वर्क है और एक होमवर्क है। पहले आपको क्लास वर्क करना है जो मैंने यहाँ आपको कराया है, उसके बाद आपको होमवर्क करना है। वीक वन पेज वन पर आपको एक एक्टिविटी भी दी गई है, आपको पिक्चर दी गई है जो कि है सेंटा क्लॉज की, और वहां पर कुछ डॉट्स बनाए गए हैं जो काउंटिंग को आपको टच करके, पॉइंट्स को आपको टच करना है वन से लेके और जो भी लास्ट नंबर होगा सबसे बड़े नंबर तक जाना है। फिर आपकी एक पिक्चर ड्रॉ हो जाएगी जो कि है सेंटा क्लॉज की, और फिर आपको उसमें कलर करना है। ये भी आपके लिए एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है घर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।